प्रकाश मंत आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल PM's फोटोग्राफी में। और आज हमारे पास है होंडा की ऑल न्यू SP125 और आज मैं आपको इस गाड़ी का राइड एंड हैंडलिंग टेस्ट दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि गाड़ी का सस्पेंशन ट्यूनिंग, सीट कंफर्ट, गियर शिफ्टिंग, एक्सेलरेटर, इंजन पिकअप, क्लच रिस्पॉन्स और ये डायल्स के जो भी स्पेक्स हैं उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि ये गाड़ी चलाने वगैरह में कैसी है, माइलेज पिकअप, सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अगर आज का वीडियो आपके किसी काम आता है तो मेरे चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। और आपको इस गाड़ी से रिलेटेड या किसी दूसरी गाड़ी से रिलेटेड कोई इंक्वायरी होगी तो बिल्कुल आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, सर्च करें प्रकाश महंत। तो चलिए मीटर हम कर लेते हैं ऑन। और कुछ ऐसा वेलकम फीचर है इस गाड़ी का, मैंने इस गाड़ी का भी रिव्यू कर रखा है, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ जाऊंगा। तो इस ड्राइविंग टेस्ट की वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने इस गाड़ी के सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से काफ़ी डिटेल एंड डीपली बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाड़ी जो है अभी न्यूट्रल है, साइड स्टैंड में है और हम जो है गाड़ी को चालू करते हैं और ये देख सकते हैं साइलेंट सेल्फ स्टार्टर है इस गाड़ी में, तो खिखी खिखी वाली आवाज़ नहीं आती है सेल्फ स्विच दबाने से। और कुछ ऐसा साउंड है गाड़ी का, ये देख सकते हैं कुछ ऐसा साउंड है गाड़ी का। और क्लच लीवर जो है बहुत ही बढ़िया लाइट है। और हम जो वेरिएंट चला रहे हैं ये इसका मिड वेरिएंट है, बीच वाला डिस्क ब्रेक वाला। और हम स्टैंड को उठा लेते हैं। स्टैंड का आपको एक और फीचर बता दूं कि स्टैंड को नीचे करने से गाड़ी जो है बंद क्यों नहीं हो रही, तो जब आप इस गाड़ी को गियर में रखेंगे सिर्फ तभी बंद होगी। और अभी देख सकते हैं एक बंद हो गया और अभी आप कितना भी सेल्फ दबा लें काम नहीं करेगा, क्लच दबा कर भी दबा लें तो भी काम नहीं करेगा। सिर्फ आप इसे न्यूट्रल करेंगे और चालू करेंगे तभी ये जो गाड़ी है चालू होगी और स्टैंड में रहने से बंद हो जाती है। तो एक बार और टेस्ट दिखा देता हूँ। अभी हम कर लेते हैं स्टैंड को ऊपर और डाल लेते हैं फर्स्ट गियर। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट गियर जो इंगेज हो गया है और जैसे ही मैं स्टैंड को नीचे करूँगा वैसे ही गाड़ी जो है बंद हो जाएगी। ये देख सकते हैं गाड़ी जो है बंद हो गई है। तो कुछ ऐसा काम करता है इसका साइड स्टैंड का फीचर। तो चलिए अब जो है हम इस गाड़ी को चलाते हैं। तो चलिए अब हम इस गाड़ी का ड्राइविंग टेस्ट करते हैं। ये फर्स्ट गियर में हमने लगा लिया और कुछ ऐसा साउंड है गाड़ी का। फ्रंट एंड रियर दोनों ही सस्पेंशन ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी है और गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 160 mm का और सीट हाइट है 750 mm का और मेरा हाइट है 5 feet 5 inch का, तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं होता इस गाड़ी को चलाने में। काफ़ी अच्छी कमांडिंग व्यू मिलती है और ये थोड़ी सी हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं इसमें भी सस्पेंशन ट्यूनिंग काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत ही बढ़िया है। पॉट होल्स वगैरह ज़्यादा इसमें पता नहीं चलते हैं और थोड़ा यहाँ पर ग्रेवल से इसमें चलाएं तो देख सकते हैं कितनी स्मूथ चल रही है गाड़ी। हल्का हल्का सा बस इसमें जर्क पता चल रहा है, एकदम बारीक सा, ज़्यादा नहीं पता चल रहा है। बहुत ही अच्छा सस्पेंशन ट्यूनिंग इसमें मिलता है। और हम अभी हैं सेकेंड गियर में। ड्राइवर के साथ साथ पिलियन के कंफर्ट का भी काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है, पिलियन के लिए भी बहुत ही अच्छा सा कंफर्ट दिया गया है। चाहे बात करें सीट की या फिर बात करें इस गाड़ी के रियर वाले फुट पैक्स की, तो पिलियन के भी फुट पैक जो हैं काफ़ी अच्छे पोजीशन पर बनाए गए हैं, रखे गए हैं पिलियन के कम्फर्ट को देखते हुए। और गाड़ी का जो पिकअप वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छा है। और बात करें इस गाड़ी के इंजन की तो 124cc का इसमें आपको इंजन मिलता है, सिंगल सिलेंडर का एयर कूल्ड, जो कि 5 speed के गियर बॉक्स के साथ आता है। और पावर आउटपुट की बात करें तो 10.7 bhp की पावर आउटपुट है एंड 10.9 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है। और कंपनी क्लेम करती है इस गाड़ी का माइलेज लगभग 65 km/l तक का। और फर्स्ट गियर में हम थोड़ा सा रेव करते हैं और ये सुन सकते हैं इंजन का आवाज़ कैसा है। और गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी अच्छे स्मूथ हैं। और हम मेन रोड में जैसे ही पहुंचेंगे तो थोड़ा सा हम इसका ब्रेक टेस्ट भी करके देखेंगे। और ये देख सकते हैं अभी थर्ड गियर में हूँ और 18 km/h की स्पीड पे हूँ। और ये गड्ढा वगैरह देख सकते हैं कितना अच्छा शांति से निकल गया और हमें ज़्यादा पता भी नहीं चला। हम लोग दो लोग बैठे हैं अभी गाड़ी में, हम दोनों का वेट जो है अभी 70 kg के आसपास का है।
तो काफ़ी अच्छा सस्पेंशन ट्यूनिंग है गाड़ी का, एकदम कंफर्टेबल है राइड इसकी। हाँ, तो मैं बात कर रहा था इसके इकोलाइट की। तो सामने देख सकते हैं थर्ड गियर में है और हम लगभग 19-20 किलोमीटर पर आर के स्पीड पर हैं और काफ़ी स्मूथ इंजन फील कर रहा है, इस वजह से वहाँ पर एक इको की लाइट जल रही है ग्रीन कलर की। और ये हम आ गए भैया मेन रोड में। तो फ्रंट डिस्क ब्रेक को मैं दबा रहा हूँ तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग है, ग्रिपिंग भी बहुत अच्छी है। और अब ट्राई करते हैं रियर ब्रेक का। तो रियर ब्रेक भी ड्रम ब्रेक के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको इसमें। और राइड एंड हैंडलिंग की तो बात ही मत करो, क्योंकि होंडा तो बनाती ही ऐसी गाड़ियां हैं जिसका राइड एंड हैंडलिंग बहुत ही अच्छा होता है। और यहां से फ्यूल टैंक को भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मस्कुलर डिज़ाइन दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया दिखता है। मीटर में जो इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं वो भी काफ़ी अच्छे विजिबल है, आप डे टाइम में भी इसे आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। और साइड मिरर्स को देख सकते हैं, इनकी भी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी दी गई है, आप पीछे क्या आ रहा है उसको भी काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। और इसका हैंडल जो है थोड़ा सा ऊपर है, तो आप थोड़ा सा अपराइट होकर के बैठते हैं, काफ़ी अच्छा कमांडिंग व्यू मिलता है। और जैसा आपको NS की कोई सी भी सीरीज़ में बैठ कर जो व्यू आता है, थोड़ा सा ऊँचा आप बैठे हैं, जैसे NS125, NS160 या NS200 किसी में भी आप बैठ जाएं, तो उसमें आप जब भी आप बैठेंगे तो आपको थोड़ा सा ऊंचा सा फील होगा, कुछ वैसा ही इसमें भी आपको फील होता है, बहुत ही मुझे थोड़ा सा ऊपर फील हो रहा है। और अभी अंधेरा तो हुआ नहीं है तो हेडलैम्प्स के थ्रू को मैं अभी बता नहीं पाऊँगा। बाकी इसमें LED हेडलैम्प्स मिलते हैं वाइट कलर के, बहुत ही अच्छा थ्रो है उनका। और अभी फोर्थ गियर में है देख सकते हैं, और फाइव गियर की ये गाड़ी है। और इंजन का साउंड सुन सकते हैं भी कैसा है, बहुत ही अच्छा ट्यूनिंग के साथ बनाया है होंडा ने इस गाड़ी को, बहुत ही शानदार ट्यूनिंग है। और गियर शिफ्ट भी काफी बढ़िया स्मूथ है, हमारे होंडा SP125 का ड्राइविंग टेस्ट या फिर बोल लें राइड एंड हैंडलिंग रिव्यू। मैं तो 10 out of 10 दूंगा इस गाड़ी के राइड एंड हैंडलिंग को, मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, बहुत ही बढ़िया राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी है गाड़ी का, ब्रेकिंग इंजन परफॉर्मेंस सारी चीज़ें जो है बहुत ही अच्छी है। और चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आज का वीडियो आपके किसी काम आया होगा तो मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी दूसरी गाड़ियों से रिलेटेड कोई इंक्वायरी होगी तो बिल्कुल आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, सर्च करें प्रकाश महंत। तो चलिए आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।